हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी बनाना मार्केट जैसे एकदम खिला खिला चाउमीन तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। मैं इसकी रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ कि आपका चाउमीन बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, आप घर पर ही बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा खिला खिला रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्रवण मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। तो चाउमीन बनाने के लिए हमें 2 पैकेट नूडल चाहिए और चाहिए हमें 1 सॉस पैन जिसमें हमने पानी रखा है बॉयल करने के लिए। पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम 1 टीस्पून डालेंगे, साथ के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। इससे क्या होगा कि चाउमीन हमारा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा एक दूसरे में। पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे चाउमीन। चाउमीन को हमने खोला नहीं है क्योंकि अगर हम इसे तोड़ के डालेंगे तो ये लेंथ में नहीं आएगा। इस तरीके से हम इसे चम्मच से अंदर पानी में ही इसे खोलेंगे, तोड़ करके नहीं डालेंगे। तो इसे हमें कुक कर लेना 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाता है मीडियम फ्लेम पर ही। तो 4 मिनट हो चुका है, अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर में। तो मैंने इस तरीके से एक स्ट्रेनर लिया है, इसमें देखिए हम स्ट्रेन कर लेंगे। और हमें कुछ भी नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपका चाउमीन ज़्यादा कुक हुआ तो आप थोड़ा ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। मेरा एकदम परफेक्ट कुक हुआ है, मैंने यूज़ नहीं किया है। तो देखिए अब हम इसे साइड कर देते हैं। एक कढ़ाई लिया हमने, कढ़ाई में हम डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है। इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसे कढ़ाई में इस तरीके से फैला लेंगे ताकि हमारे पूरे कढ़ाई में अच्छे से ऑयल फैल जाए। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च है, ये हमने फाइनली चॉप करके लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने लहसुन लिया है, इसे भी हमने बहुत अच्छे से चॉप कर लिया है। तो हम पहले लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसे हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, करीब कुछ सेकेंड के लिए हम इसे फ्राई करेंगे, 30 सेकेंड ये काफ़ी है इसके लिए। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे 1 मिनट करीब फ्राई करना है हमें। 1 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे गाजर और ये शिमला मिर्च। थोड़ा सा मैंने इसमें बीन्स भी यूज़ किया है, तो आप कोई भी वेजिटेबल अपने पसंद का यूज़ कर सकते हैं। तो 2 मिनट के करीब मुझे इसे हाई फ्लेम पर सॉटे करना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे क्योंकि हमने इसमें चाउमीन को बॉयल करते वक्त भी नमक का यूज़ किया था, तो उस तरीके से देख करके मैंने इसमें डाला है। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो करीब 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे बॉयल चाउमीन जिसे हमने स्ट्रेन करके रखा था। और इसे डालने के बाद अच्छे से 30 सेकेंड तक इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से ताकि ये खुल जाए। ये इस तरीके से हमें फ्राई करना है। तो चाउमीन को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें फ्राई कर लेना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ये देखिए अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे। तो इसमें हमने डाला 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून के करीब हमने डाला रेड चिली सॉस, और अगर आपको ग्रीन चिली सॉस पसंद है तो आप वो भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। हम इसमें आप डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैगी का मैजिक मसाला, इससे चाउमीन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर डाला मैंने। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा सॉसेस और जो मैंने मैजिक मसाला डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। मैजिक मसाला से चाउमीन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमें अब गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इसमें अब हम यूज़ कर लेंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब हमारा एकदम रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर रखा है और ऑफ़ करने में ही हम इसे काली मिर्च को अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए अब इसे सर्व कर देते हैं एक प्लेट में। ये देखिए कितना खिला खिला बना है ना। तो अगर आप इस प्रोसेस में बनाएंगे तो आपका चाउमीन बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरीके से एक बार बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसे कटी हुई हरी मिर्च से सजा देना है और कटे हुए प्याज के साथ हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कितना खिला खिला बना है। देखिए बहुत अच्छे से कुक हुआ है, मैं इसी प्रोसेस में हमेशा बनाती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।